नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं एक स्टॉक ट्रेडिंग का एक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो उसी को आप लोग ज़रा ध्यान में ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्टली हम लोग को कुछ चीज़ें ज़रूरत होता है, वो है करेक्ट एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल, टारगेट एंड स्टॉप लॉस एंड ट्रेंड। तो एंट्री एग्जिट लेवल के लिए आप लोग ये सेटअप यूज़ कर सकते हैं। ये बोलिंजर बैंड का जो ऊपर ये 5-8-13 का ये में है, और बोलिंजर बैंड का देखिए मिडिल बैंड का ऊपर है, तो इधर आप लोग एंट्री ले सकते हैं। टारगेट कितना रखेंगे, टारगेट जो ATR वैल्यू है उसको आप लोग टारगेट रख सकता है, उसको आप लोग स्टॉप लॉस भी रख सकता है। ये चाहे इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, मैंने इधर वन डे के लिए दिखा रहा हूँ। और टारगेट स्टॉप लॉस भी इसको मान सकता है। और स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस आप लोग सोच लीजिए, इधर से ये क्रॉसओवर किया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, इसके बाद जब ये 5-8-13 का नीचे, 13 का नीचे स्टॉप लॉस रख सकता है। ये पैराबोलिक सर जब ऊपर चला गया उसको इधर स्टॉप लॉस रख सकता है। इधर पिवट पॉइंट नहीं है, पिवट पॉइंट में भी आप लोग स्टॉप लॉस रख सकता है। बोलिंजर का मिडिल बैंड में भी स्टॉप लॉस रख सकता है। कभी मेरा जितना एक्सपीरियंस है, स्टॉक का कभी टॉप और बॉटम ढूंढने का कोशिश करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये देखिए पहले ये जो आप ट्रेंड कॉन्फर्मेशन के लिए आप लोग को पहले 20% आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जब जितना कितना तक जाएगा, तो कितना तक जाएगा आप लोग पहले जब तक ना रिवर्स ना हो, तो उसको वो 20% भी आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा, बाकी 60% आप लोगों को रखना पड़ेगा। ये देखिए बोलिंजर बैंड का ऊपर गया, 5-8-13 का ऊपर गया, ATR है इधर, और RSI स्टोकास्टिक ऊपर है, तो इसको आप लोग कर सकता है। तो इसी को मैंने जो व्यू देता हूँ, मैंने बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया, उसको थ्रू में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ट्रेंड एक लोग आप लोगों को कन्फर्म मिलेगा। ये ट्रेंड इतना सारा जो इंडिकेटर आप लोगों को सेटअप देख रहा है, उधर से स्क्रीनिंग करेंगे तो 200 का स्टॉक का अपने आप आ जाएगा, वही आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। डाटा में जाकर फिल्टर कीजिए, पहले इधर ट्रेंड में आइए, पहले ही ट्रेंड में आप लोग कर लीजिए। जो लोग रेगुलर ट्रेडिंग नहीं करते हैं वो लोग भी स्विंग ट्रेडिंग करते कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये ट्रेंड इधर एकदम 100% सही मिलेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है। आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट करके, जो बैंक में इन्वेस्ट करता है वो आप लोग थोड़ा सा स्टॉक में इन्वेस्ट करके रख सकता है, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसमें आप लोगों को महीना में एक पर डे 1,000-2,000 तो आ ही जाएगा, तो उसमें खराबी क्या है। ये ट्रेंड अभी तक पूरा 43, 4, 5, 6, ये इधर थोड़ा सा कम हो जा रहा है, तो इसलिए मैंने इधर आ जा रहा हूँ। LTP को मैंने ग्रेटर देन 100 चुन लेता है, क्योंकि मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, जो 100 का नीचे है उसका मूवमेंट कम आता है। LTP को कर लिया, उसके बाद मैंने वोलेटिलिटी देखता हूँ, क्योंकि मैंने इंटरडे इस सब के देता हूँ, तो वोलेटिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा होने से ज़रूरत है, और डिलीवरी परसेंटेज कम होने का ज़रूरत है। तो ये देखिए ये तीनों आ रहा है, इसका पहले आप लोग लेवल नोट कर सकते हैं,
उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ।